प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस जो कर्व है, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे समान यूटिलिटी प्राप्त होती है, समान सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। मान लीजिए आप दो वस्तुएं खाती हो, एक है एप्पल और दूसरा है मैंगो। दो वस्तुएं लेके आते हो, एक एप्पल है एक मैंगो है, तथा आप एक क्वांटिटी स्टार्ट करते हो एप्पल को खाना और 10 क्वांटिटी खाते हो मैंगो। तो इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बराबर मिलता है। आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो सकता है अलग तरह का है, जिसमें आप 10 मैंगो खाते हो एक एप्पल खाते हो, सेटिस्फेक्शन एक समान मिलता है। अब आप चाहते हो कि मैं एक एप्पल और खाऊं, तो आपको कुछ यहां से त्यागना पड़ेगा। मींस आपने 3 मैंगो का त्याग कर दिया तब भी आपकी सेटिस्फेक्शन बराबर है। आपने एक और एप्पल खा लिया तो यहां 2 मैंगो का त्याग कर दिया। ऐसे करते करते आपने 4 एप्पल खा लिए और 4 मैंगो खा लिए, एक का त्याग कर दिया। तो इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनके बेस पे जो कर्व बनेगा वो इनडिफरेंस कर्व होगा। अर्थात हर एक लेवल पे कस्टमर को, कंज्यूमर को समान यूटिलिटी प्राप्त हुई है, समान सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुई है। इसको ग्राफ में हम शो करते हैं। एप्पल्स एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, और यहां शो कर दिए हमने नंबर ऑफ मैंगोस। मैंगोस एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब मैंने एक एप्पल खाया और 10 मैंगो खाए, तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। तो इंडिफरेंस कर्व का जो पहला कॉम्बिनेशन बना, 1 10। अब मैंने इसके 2 खाए, इसके 7, तो इसके 2 इसके 7, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बना, 2 7। ऐसे ही 3 इसके, 5 इसके, 3 इसके और 5 इसके, ऐसे ही 4 इसके और 4 इसके। ये एक कर्व बन गया। इस कर्व का नाम इनडिफरेंस कर्व है, क्योंकि इसके हर एक लेवल पे कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रही है, समान यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या चक्कर है कि हम एक इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी कम हो रही है। इसके ऊपर एक सिद्धांत लग रहा है, उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये एक कानून लगा, एक नियम लगा इसका कर्व ऐसे होने के लिए। ये नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, दूसरे का जो त्याग की क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। सबसे पहले आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट समझने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को समझना होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है?
इसका मतलब है कि किसी वस्तु की एक क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का जितना त्याग किया जाता है उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो का हमने त्याग किया तीन नंबर्स, किसको प्राप्त करने के लिए, एक यूनिट एप्पल की कंजप्शन के लिए। तो मैंगोज के तीन यूनिट्स जो है त्यागे हैं वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसके तीन को त्यागने के लिए एक प्राप्त होगा। अब जैसे जैसे इसका एक उपभोग और खा लेते हैं तो जो ये जो त्यागने की क्वांटिटी है ये दो हो जाती है, सात में से पांच का दो। अब इसका एक और कंजप्शन कर लेते हैं तो हमने त्यागा पांच में से एक गया चार, एक, यानी तीन दो एक डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया। इसका मतलब ये है कि यह कर्व नेगेटिव स्लोप में है। उसका रीजन यही है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम इंक्रीज करते हैं उससे मिलने वाले जो सेटिस्फेक्शन एक लेवल तक पहुंच जाती है, इसलिए हमने त्याग की जो भावना है वो कम हो गई। यहाँ हमने तीन का सेक्रीफाइस किया, यहाँ दो का सेक्रीफाइस किया, यहाँ एक का सेक्रीफाइस हमने कर दिया। तो आज हमने सीखा कि इंडिफरेंस कर्व क्यों क्या है। यह इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप में क्यों होता है, क्योंकि यह जो नियम है यह लागू होता है।